राधे राधे जी, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के बहुत ही पावन और शुभ दिन चल रहे हैं। इन दिनों में किया गया कोई भी उपाय निष्फल नहीं जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर परिवार में किसी सदस्य के साथ बहुत ज़्यादा अनबन होती है, आपका बिल्कुल भी कहना नहीं मानता, या आपका पति है या आपके बच्चे हैं, तो नवरात्रि के दिनों में इस उपाय को जरूर करें। एक वस्तु को माता रानी को भोग लगाकर अगर आप उस वस्तु को उस व्यक्ति को खिला देते हैं तो वो आपका कहना मानने लगता है। दोस्तों, इस उपाय को नवरात्रि के दिनों में करना है और 3 दिन आप इस उपाय को करें। आप लगातार भी कर सकते हैं या 1 दिन छोड़कर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस उपाय को 3 बार अवश्य करना है। तो निश्चित ही वो व्यक्ति का स्वभाव आप खुद ब खुद देखेंगे कि परिवर्तित हो रहा है, उसका स्वभाव बदल रहा है, आपके साथ उसका जो रिश्ता है वो मधुर जरूर हो जाएगा। दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में इस उपाय को करना है, आप सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। स्वच्छ वस्त्र धारण करें, यानी हाथ पैर धोकर या नहाकर आपको इस उपाय को करना है। आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के टाइम पर भी कर सकते हैं। माँ भगवती का पूजन करें, उन्हें लाल पुष्प अवश्य ही अर्पित करें, उनके आगे धूप दीप जलाकर भगवती के नवार्ण मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है और स्क्रीन पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। इस मंत्र में माता के 9 रूपों की शक्ति मानी जाती है। अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित ही घर में सुख शांति बनी रहती है। जिस भी कार्य में आपके बाधा आ रही है वो अवश्य ही दूर होती है। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको माता रानी को मीठे पान का भोग लगाना है। उस भोग को आपको उस व्यक्ति को खिला देना है जो जिसके साथ आपका संबंध मधुर नहीं है, यानी जो आपका कहना नहीं मानता। आप अपने बच्चे को या पति को, किसी भी सदस्य को उस वस्तु को, उस पान को मतलब खिला देना है। देखना उसका स्वभाव परिवर्तित होगा, आप के साथ उसका रिश्ता मधुर अवश्य ही हो जाएगा। दोस्तों, आपको इसी मंत्र का मतलब 108 बार जाप करना है। 3 दिन इस उपाय को करना है। देखना वो व्यक्ति खुद ब खुद आपसे बात करेगा, आपका कहना मानेगा, उसके स्वभाव में परिवर्तन अवश्य ही आएगा। दोस्तों, इस उपाय को करें और लाभ प्राप्त करें। आप सभी को जय श्री राधे।